महाराष्ट्र में 14,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई, लेकिन सरकार को ये पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी रकम कहां खर्च की गई। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 7 साल में प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर कर्मचारियों से 14,047 करोड़ रुपए वसूले। प्रोफेशनल टैक्स का इस्तेमाल रोजगार पैदा करने के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पैसे को खर्च तो किया है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल कहां और क्यों किया गया। आरटीआई के जवाब में मिली जानकारी से खुलासा हुआ है। जब प्रोफेशनल टैक्स वसूलने की बात महाराष्ट्र में हुई, तब ये घोषणा की गई थी कि ये प्रोफेशनल टैक्स रोजगार गारंटी योजना में खर्च किया जाएगा, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पैसे खर्च किए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने एक भी पैसा रोजगार गारंटी योजना के लिए खर्च तो किए नहीं है और उनके पास आज हिसाब भी नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स कर्मचारियों की सैलरी से काटा जाता है, जिसका मकसद राज्य में नौकरियां पैदा करना होता है। महाराष्ट्र में हर साल इस तरह करीब 2,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जाते हैं, लेकिन इस रकम का हिसाब किताब सरकार के पास है ही नहीं।